एग्जिट पोलों में जिस तरह से भाजपा की सरकार बनती दिख रही है उसे लेकर भाजपाइयों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी को लेकर हाथरस नगर पालिका के पूर्व पालिका अध्यक्ष पंडित आशीष शर्मा के नेतृत्व में मजबूत मोदी सरकार बनने की कामना करते हुए आज सुबह से वैदिक रीति रिवाज के साथ अपराजिता महायज्ञ शुरू कराया गया है। ये महायज्ञ मतगणना के दिन 4 जून की सुबह तक चलेगा। इस महायज्ञ में काफी संख्या में भाजपाइयों ने अपनी आहुतियां दी और मजबूत राष्ट्र के साथ साथ मजबूत मोदी सरकार बनने की कामना की। इस मौके पर अर्चना सीपू जी महाराज और अन्य धार्मिक विद्वानों के सानिध्य में ये हवन यज्ञ हो रहा है। इस मौके पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष पंडित आशीष शर्मा ने कहा कि यज्ञ वैदिक काल से ही मानव जीवन एवं राष्ट्र उत्थान हेतु एक आधारशिला है। अग्नि पवित्र है और जिस संकल्प हेतु यज्ञ किया जाता है वो संकल्प देवी देवता आदि शक्ति एवं प्राकृतिक शक्ति के द्वारा पूर्ण होता है। देवी अपराजिता का पूजन एवं यज्ञ तब से प्रारंभ हुआ जब चारों युगों का प्रारंभ हुआ। नवदुर्गा की माँ अपराजिता संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तिदायिनी तथा संपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है। आज भारत अपने स्वर्णिम काल की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि अगले 10 साल में मथुरा कृष्ण जन्मभूमि सहित मथुरा वृंदावन व विकसित भारत का सपना साकार हो सके और ये कार्य केवल राष्ट्रभक्त राम भक्त नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। विकसित समृद्ध अखंड भारत की मनोकामना मजबूत मोदी सरकार बनाने के लिए ये महायज्ञ किया जा रहा है। आज इस महायज्ञ में काफी विद्वानों के अलावा अन्य लोग भी शामिल हुए और लोगों ने अपनी आहुतियां दी। ये भगवती दुर्गा हैं, भगवती अपराजिता, और भगवती अपराजिता जो देवी हैं ये समस्त सिद्धियों को देने वाली हैं। और भगवती दुर्गा की कृपा, क्योंकि भगवती दुर्गा के अंदर जो शक्ति है, समस्त देवताओं की शक्तियां समाहित होकर के भगवती दुर्गा के अंदर समाहित हुई और भगवती दुर्गा ही हमको शक्ति प्रदान करती हैं। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि बिना शक्ति के ये संसार नहीं चल सकता। हर व्यक्ति को शक्ति की आवश्यकता है और आज हम उसी शक्ति की आराधना करने के लिए, आज यहाँ एक मजबूत सरकार दिलाने के लिए हम यहाँ अपराजिता महायज्ञ जो समस्त विश्व में जय दिलाती हैं, ऐसी भगवती अपराजिता हैं, उनके यज्ञ का आज यहाँ प्रातः काल से सभी ब्राह्मणों के द्वारा आज ये शुभारंभ हुआ है जो 4 तारीख की प्रातःकाल पूर्णाहुति के साथ संपन्न होगा। देखिए अपराजिता महायज्ञ, सभी देवियों की माता अपराजिता का यज्ञ, अपराजित देश की सुख समृद्धि और राष्ट्र के उत्थान के लिए जिस प्रकार पिछले 10 वर्षों में अनेक बड़े और ऐतिहासिक कार्य हुए, वो कार्य अनवरत जारी रहे, उसके लिए एक मजबूत सरकार की मनोकामना हेतु ये यज्ञ अपराजिता यज्ञ आज सुबह से ही वैदिक मंत्रों के साथ, वेदाचार्यों के साथ प्रारंभ हो गया है। देश में सुख और शांति खुशहाली हो और हमारा देश विकसित राष्ट्र की ओर इसी प्रकार अग्रसर होता रहे, इसी प्रकार चलता रहे, निरंतर अग्रसर होता रहे और देश में एक मजबूत सरकार बने, इसी मनोकामना के साथ हाथरस में ब्रज की देहरी पर ये बड़ा अपराजिता महायज्ञ चल रहा है। देखिए एग्जिट पोल एक अपनी गणना का कैलकुलेशन है, हम तो देश में एक मजबूत सरकार की मनोकामना के साथ अपराजिता का कर रहे हैं जो राष्ट्र हित में राष्ट्र प्रेम के साथ कार्य करे और सनातन के साथ कार्य करे। हम तो एक ऐसी सरकार के साथ अपराजिता महायज्ञ कर रहे हैं और उसका मनोकामना पूर्ण करने का हमारा पूरा प्रयास है और संकल्पित होकर हम लोग कर रहे हैं और ये महायज्ञ का परिणाम देश की सुख समृद्धि और विकसित भारत के लिए हमेशा हमेशा युगों तक काम आएगा। कब तक चलेगा ये? 4 तारीख की सुबह 7:30 बजे तक पूर्ण आहुति के साथ ये यज्ञ प्रारंभ समापन होगा।